विधानसभा की दो रिक्त सीटों रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानवे सुरक्षित के लिए मतदान हो रहा है। स्वार विधानसभा सीट पर 6 और छानवे सुरक्षित विधानसभा सीट पर 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस प्रकार कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और दोनों सीटों पर दो दो महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। इस उपचुनाव में कुल 774 पोलिंग बूथ तथा 492 मतदान केंद्र हैं। उपचुनाव में 662,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें 351,000 पुरुष और 311,000 महिला और 82 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। तो देखिए, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की छानवे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और इसको लेकर 6 प्रत्याशी, स्वार से बात की जाए तो 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और छानवे से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। देखिए, दोनों जगह पर मतदान हो रहा है और उपचुनाव में 662,000 जो वोटर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो स्वार और छानवे की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर आज मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जिसको लेकर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग आज सुबह से ही शुरू है और स्वार सीट पर देखिए, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता, विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी। तो वहीं पर राहुल कोल जो वहाँ से विधायक हैं, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। स्वार से बात की जाए तो कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 96 विधानसभा सीट से कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। तो देखिए, उपचुनाव के लिए लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। रामपुर की स्वार सीट पर मतदान लगातार जारी है और 96 मिर्जापुर की जो 96 विधानसभा सीट है उस पर भी वोटिंग लगातार जारी है। 6.5 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो इस मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर वोटिंग लगातार जारी है। और सुबह से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ पवन त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं मिर्जापुर से। पवन, क्या जानकारी सामने आ रही है? आज देखिए उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? पवन, देखिए, सुबह 7 बजे से ही मतदान यहाँ पे शुरू हुआ। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मतदान जो स्थल है वहाँ पर आम जनता की भीड़ बढ़ती गई और लोग अपना मतदान कर रहे हैं। अभी अगर 3 बजे तक की स्थिति अगर आपको बताएं तो तकरीबन 32% के करीब मतदान यहाँ पे हो चुका है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब शाम का समय है। 6 बजे तक जो मतदान प्रक्रिया चलेगी, चूँकि गर्मी का समय है और पारा यहाँ पे तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर का आज रहा है, इसलिए और जो दोपहर का माहौल था उसमें लू चल रही थी, इसलिए लोग ज़्यादा निकले नहीं हैं। लेकिन अब 3 से जो 6 का समय है उसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। तकरीबन 45 से 50% तक वोट जो मतदाता है यहाँ पे वो वोट करने के लिए जाएंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल पवन, देखिए अब चूंकि 4 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ऐसे में अब इस वक्त की अगर बात की जाए तो किस तरह से जो तमाम बूथ स्थल हैं जहाँ पर मतदान केंद्र है वहाँ पर किस तरह से जो तमाम वोटर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं? क्या वोटर्स की जो संख्या है वो ज्यादा है या अभी भी मतदान जो है वो धीमी गति से चल रहा है? पवन, देखिए, मैंने आपसे बताया कि धूप थी, उसके बाद लू भी चल रही थी, तो लोग दोपहर में घरों से निकलने से बचे, लेकिन जैसे ही 3 बजे के बाद से पोलिंग बूथों पे लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं और अधिकांश संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी निकल के आ रही हैं। जो यंग वोटर हैं, जो नए वोटर हैं, वो भी मतदान स्थलों पर आ रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो चूँकि सुबह ये भी देखने को मिला था कि जो वृद्ध लोग थे वो भी मतदान केंद्रों पर पहुँचे थे, जो दिव्यांग थे वो भी मतदान केंद्रों पर पहुँचे थे, तो एक खासा उत्साह मतदाता में देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर के। बिल्कुल पवन, और हमारे साथ देखिए रामपुर से हमारे संवाददाता ओमपाल भी जुड़ गए हैं।
ओमपाल, क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? अगर बात की जाए तो जिस तरह से 3 बजे तक जो वोटिंग का जो प्रतिशत है उसको अगर देखा जाए तो कुल 27% की वोटिंग हुई है। क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है? रामपुर में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है जो तमाम वोटर्स हैं, क्या वो ज्यादा संख्या में अब निकल कर सामने आ रहे हैं क्योंकि अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुई है अगर मिर्जापुर की छानबे विधानसभा सीट से तुलना की जाए तो? देखिए, रामपुर में मतदाताओं से जितनी अपेक्षा प्रशासन को थी, प्रत्याशियों को थी, खुद हमको थी, आपको थी, उसकी अपेक्षा मतदाता अपने घरों से बाहर नहीं निकले। चिलचिलाती धूप में आज अमूमन कहा जाता है कि बहुत सारे लोग यहाँ से समीपवर्ती जिला है और उसके बाद नैनीताल पड़ता है, तो बहुत सारे लोग इतने लापरवाह हैं, वो अपने मत का समझते नहीं कि मत की वैल्यू क्या होती है। तो बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, हो सकता है छुट्टी पर चले गए हों। हर बार चुनाव में जो उपचुनाव होते हैं बहुत कम लोग दिलचस्पी दिखाते हैं और यही वजह है। आप सोचिए, जो प्रशासन का, हमारा, आपका यही था कि कम से कम 50% से ऊपर मतदान होगा रामपुर में, लेकिन यहाँ पर तो अभी आप सोचिए, अब एक सवा घंटा बचा है, 4:15 हो रहे हैं, 6 बजे तक मतदान होना है और यहाँ पर सूने पड़े। आप देख रहे हैं पीछे बिल्कुल इक्का दुक्का 3, 4, 5 इस तरह से जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये स्थिति प्रशासन के लिए, लोगों के लिए और वोटरों के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उनको जागरूक करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए। क्या वो कदम काफी नहीं थे जितने उन्होंने उठाए? और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, लोगों को जागरूक करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए ओमपाल, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो बाकी जो वक्त बचा हुआ है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो निकल कर आए और अपने मत का प्रयोग करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।